सो गाइस फिर से मैं गोवा आ गया हूँ और आप लोग सोच रहे होगे मैं फिर से गोवा क्यों आया। अबे साले ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात ये है कि हम लोगों में एक लड़के की जल्दी शादी होने वाली है तो वो आखिरी बार अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है। ये है वो लड़का ये लड़का है, इसके चक्कर में हमें फिर से गोवा आना पड़ा। बट डोंट वरी, मैं सेम चीजें नहीं दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को इस बार अलग जगह और डिफरेंट गोवा दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलते हैं गोवा में। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कैलंगुट के एक सेक्सी से बीच सैक पे दिन के टाइम। ये रहे बैठे अपने लौंडे। हाय बोलो भाई लोग। और आपका व्यू देखो भाई, कैलंगुट बीच की खासियत ये कि ये खाली रहता है इसलिए यहाँ आते हैं। बागा बीच एकदम अब बीटी हो गया यार। पता है गाइस गोवा में लड़कियों का बहुत बुरा हाल है, मतलब नॉर्मल लड़कियां भी चलती है ना यहाँ पे, तो लोग जाते हैं। मैंने हम लोगों ने नोटिस किया कल रात को दो लड़कियां टहल रही थी नॉर्मल और कम से कम 20 लौंडे गए होंगे अप्रोच करने, परेशान हो गए वो लड़कियां और उन 20 में से दो लौंडे ये भी थे ये दो और वो दोनों लेस्बियन थी पहली बात, तो बेचारा अपना मस्त टहल रही थी, अपना अपने से काम से काम रख रही थी और लौंडे उनको परेशान किए जा रहे थे। 3 बजे के बाद आप लोग गोवा की सड़कों पे टहलोगे ना, आप लोगों को कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये लॉस एंजलिस की गलियां लगेंगी, थाईलैंड की गलियां लगेंगी। टीटोस लेन के बाहर की जो मेन रोड है ना, वहाँ पे आप लोग 2:30 बजे के बाद आओ और देखो वहाँ क्या चलता है। गाड़ी रोको, तस्करी चलती, तस्करी। हाँ हम लोग हैरान हो गए क्या चल रहा है। हम लोग छोटे शहर के लड़के आए हैं, यहाँ क्या हो रहा है, एकदम गंदी चीजें हैं यार, ऐसा कैसे। सो अभी बीच में नहाया गाइस, मजा आ गया। मेरा बैकग्राउंड देखो यार, क्या क्या व्यू है। और ये अपने लौंडे बकचोदी कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, ये छेदा बना रहे हैं गाइस सुरंग अफ्रीका जाने की, अफ्रीका रहे हैं, यहाँ से निकलना है भाई, यहाँ से निकलने की। तो ये कैलंगुट बीच है और इसके उस पार उस तरफ है अफ्रीका, उधर उस तरफ अफ्रीका है और अगर हम थोड़ा इधर हो जाएंगे तो उधर सऊदी अरेबिया आ जाएगा। चलना पड़ेगा करीब कितना किलोमीटर, 10,000 से तो ज्यादा ही होगा, 2,000 तो मेरे बैंगलोर से इलाहाबाद है। बहुत अच्छे नज़ारे हैं ये देखो, बहुत अच्छे नज़ारे हैं हमारे बीच पे। आपको इन नज़ारों के लिए गोवा आना पड़ेगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना तुम लोगों को देख रहे कितने हरामी लोग हैं। मैंने मेरा मन ही था ये बनाने का, इनने बोला बनाने के लिए, इनने A few hours later. We are at the Thalassa guys. Himang bhai ne. Himang bhai ne. Himang bhai ne payment kar di hai. Par hum log Thalassa mein hai, wait kar rahe hain sabka. Bheed dekho yaar. Jaisa ki maine aapse bola tha, main aap log kuch alag dikhaunga. So we are at Thalassa. Let me show you. Kya mast jagah hai. Bhai, gajab bheed hai. हम लोगों को लकली टेबल मिल गई।
गाइस अभी जो उस लड़के का डांस हो रहा था हिमांग को देख के मजा आ गया। हिमांग कैसा लगा उसका डांस देख के? भाई बहुत अच्छा था, बस मैं देखा नहीं लेकिन बहुत अच्छा था। जो जतिन ने दिखाया जतिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। केशव को बहुत पसंद आया। केशव तुम्हें उस लौंडे का नंबर चाहिए जो नाच रहा था? लौंडे का नंबर आज ला दो भाई। क्या करोगे? विवेक तुम्हें कैसा लगा वो लौंडे का नाच? आवाज से तो मुझे लग रहा था अच्छा ही नाचा होगा, जैसे पब्लिक शोर मचा रही थी। तुम्हें कैसा लगा? मैं इधर पीछे देख रहा था दूसरे लड़के का डांस। लेकिन भाई खुलासा जगह सही है, हर पर मार्टी नहीं जाते ना, ऐसा कुछ नहीं था भाई। इतना था ही नहीं भाई, हर पर मार्टी में इतना क्राउड था ही नहीं भाई। चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे चुम्मा। थलासा फॉर यू गाइस। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं थलासा से। विवेक कैसा लगा आपको थलासा सर, बताइए? अच्छी जगह, बढ़िया लगा आपको तो सबसे बढ़िया। मजा आ गया थलासा में। गाड़ी किधर खड़ी है? अबे गाड़ी पार्क, गाड़ी इधर है, अंदर पार्क। नहीं नहीं ब्रो, गली है, गली है। अरे अरे भाई कहाँ कहाँ जा रहा है? व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग? परी काली परी कहाँ जा रही है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मैं क्यों छुप रहा हूँ गाइस, ये छुप, मैं तो छुप गया। आगे देख, गाड़ी गाड़ी आ रहा है भाई, थुक जाएंगे वेंचर। भाई मेरी बैंड खा गई। चाव चाव। वो मेरा मोबाइल खा गया। अरे भाई मोबाइल मेरी मेरी बैंड कहाँ है? भाई ले सिर्फ गुच्छा बचा है भाई, ये पकड़ो। मेरी बैंड भाई, बेल्ट ढूंढो उसकी। चाचा हेडलाइट लगाओ, लाइट लगाओ। ये रही। ये देखो गाइस, दोबारा मुंह खुल गया, खत्म हो चुके। बाय बाय टाटा गुड बाय। बैड सीन है भाई। ये देख विवेक उसका मुंह बंद कर। और भाई वहाँ खाना आ गया गाइस, देखो हफ्सियों को देखो। अभी 10,000 रुपए फूक के आए थलासा में। कहाँ से 10,000 रुपए? 10,000 रुपए थलासा में फूक के आए और ये कर रहे हैं। वर्थ इट था भाई 10,000 रुपए, ये बात तो है। हाँ यार वर्थ इट था। 24 hours later. So guys, हम लोग कैपोडेरामा बीच पे आए हैं और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है यार, वहीं पे अभी हम लोग आए हैं। देखो व्यू, देखो व्यू कैसा आ रहा है गाइस बताओ। और ये बुक्कड़ों को, ये सारे बुक्कड़े बैठे हैं। केशव की हालत खराब है, ज्यादा दारू पी लेता है, पेट खराब है। ये देखो खाना मंगाया है, सेक्सी सेक्सी स्की है स्की। और ये गंदी चीजें, ये सब ये मत देखो। बताओ गाइस कैसी लगी आपको ये जगह? इस जगह का नाम है ओब्रिगादो। ओब्रिगादो नाम है जो कि साउथ गोवा में, और साउथ गोवा बहुत, हम लोगों को रियलाइज हुआ कि साउथ गोवा बहुत पीसफुल और बहुत बेटर जगह है कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। सो आई वुड सजेस्ट यहीं आना आप लोग। और अभी नीचे जाते हैं, फिर मैं आप खा पी के फिर आप लोगों को मैं बीच दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा भाई। कितना साफ बीच है भाई, देखो अगर दिख रहा हो तो, वरना पास जाके दिखाता हूँ। क्या पी गए? क्या पी गए? रहने का कितने का यहाँ पे? अभी हाँ उससे रहने का पूछा तो वो बताया कि 12-15 हज़ार से स्टार्ट है, 30-30 हज़ार तक है। 12,000 में कितना रूम? एक रूम नहीं, मतलब कितने लोग रहेंगे? दो लोग का तो होगा ही। ये देखो गाइस यहाँ पे विलास भी हैं नीचे, बीच साइड विलास। व्यू देखो यार। तो गाइस ये है ओब्रिगाडो, देख लो आप लोग। अभी मैंने अंदर से ये दिखाया, बहुत सुंदर है, पूरा बीच साइड व्यू है। ओब्रिगादो, ओब्रिगादो पोर्टुगीज में थैंक यू होता है। ओब्रिगाडो हाँ। ये देखो दिस इज दी एंट्री, ब्यूटीफुल जगह यार। और इधर व्यू देखो यार भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
सो अभी हम लोग बीच जा रहे हैं और उधर था ओब्रिगादो, उधर वहाँ से हमें कार से आना पड़ा। और भाई ये जगह देखो यार, गोवा में ऐसी जगह यार, पहाड़ है यहाँ पे। अभी बीच का रास्ता वहाँ से है, वहीं पे चलते हैं अभी और देखते हैं। मैंने सबसे यही, सब लोग यही बता रहे हैं कि बहुत सुंदर और बहुत साफ़ और बहुत अच्छा बीच है। लेट्स सी कैसा होता है। गर्मी बहुत है गाइस, लेकिन धूप निकली है। बट गोवा में धूप ना हो तो क्या मतलब। क्या छुपा रहे हो पीछे? क्या छुपा क्या रहे हो पीछे? क्या छुपा रहा हूँ देखो, कोसड़ी के उस हाथ में देखो दोनों हाथ में ये लो क्या छुपा ये कंटेंट ये गाइस हमारी गाड़ी है। हम लोग बैंगलोर से आए यहाँ से। अरे देख ले मैं, रेंटल की गाड़ी है, हमें क्या है। ये है हमारे ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब क्या हो गया? OTP 3 6969 डिग्गी खोल दे भाई, खोल ले डिग्गी अपनी नहीं गाड़ी की। नहीं 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 हो रहा है, दबा रहा हूँ भाई। अपनी नहीं खुलनी, गाड़ी की खुलनी है। मस्त रास्ता है भाई, खतरनाक सा रास्ता लग रहा है। खत्म कैसे हो गई बोतल भाई? क्या मस्त रास्ता है। आराम से ऑडियंस को अपने तरफ से साफ दिखाओ। और क्या क्या भाई, क्या कह रहे हो? क्या यहाँ पे अच्छा बीच है भाई, केकिंग भी है। केकिंग क्या होता है? अभी जाके पता चलेगा। यहाँ पे अच्छी बीच है। अरे वो कायाक, ये देखो भाई क्या मस्त रास्ता भाई। ये देखो, ये लोग ऊपर से आ रहे हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं। फ्रेश वाटर का इशू भाई, भाई क्या कह रहे हो चाचा? क्या लाया है? गुब्बारे। गुब्बारे हैप्पी बर्थडे मनाने। हाय क्या बीच है यार। अबे इस बीच पे हम लोग आए थे फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से। गाइस बीच देखो यार कितना बढ़िया है, कितना साफ है। वाओ ओ फॉरेनर्स भी हैं। वाओ यार ये होता है बीच यार। व्यू देखो यार, रुको मैं दिखाता हूँ हम लोगों को। ये देखो मस्त, क्या व्यू है। अरे वो गमछी है ना, मेरी गमछी की वाली चीज। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ एक चीज कि बागा बीच, कैलंगूट, ये सब जो भी है नॉर्थ गोवा में सारा है। और वो इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है कि मतलब आप लोगों को मन ही नहीं करेगा, इतना भीड़ भाड़। तो आई होप आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे हो तो आपको समझ में, आपको गोवा आना है तो कहाँ आना है? साउथ गोवा गाइस। साउथ गोवा इज द बेस्ट प्लेस इन द होल गोवा, समझ रहे हो? नॉर्थ गोवा मत जाओ, नॉर्थ गोवा बहुत बेकार हो चुका है। और ये बहुत चीज़ें हैं जो मैंने दिखाई नहीं है, बताई नहीं है, वो मैं बता नहीं सकता। बट साउथ गोवा इज लाइक गजब है यार। देखो भाई साउथ गोवा आओ भाई। लेकिन अब ये है कि अब लोग ये भी देखेंगे, फिर यहाँ भी वो कर देंगे, इतना कमर्शलाइज कर जाएंगे। यहाँ बहुत लोग नहीं है, बीच छोटा है लेकिन उस हिसाब से बहुत कम लोग हैं। सीरियसली व्हाट इज दिस प्लेस? ये अपने लौंडे फॉरनर्स। हाय विवेक भाई, रेडी नहाने के लिए? आज चल ना भाई। तो अभी बस बैठे हुए हम लोग, चिल कर रहे हैं, मैं और हिमांग, चाचा और विवेक। देखो वो जा रहे हैं, केशव गाड़ी में बैठा है, उसका तबीयत खराब हो गया है। बहुत अच्छा बीच है यार, इतना पीसफुल है। क्या मतलब कमर्शलाइज नहीं है? हाँ कमर्शलाइज नहीं है, अच्छी बात है। एकदम छोटा भी है और भीड़ भी नहीं है, बेस्ट चीज़ इस बीच की। कैसा लग रहा है गाइस बताओ? अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, किसका वेट कर रहे हो? सो दिस वाज आवर गोवा ट्रिप गाइस, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह। इस बार एकदम डिफरेंट घूमा, साउथ गोवा घूमा, जो कि बहुत ज़्यादा, जो हमें रियलाइज़ हुआ कि साउथ गोवा ज़्यादा अच्छा है नॉर्थ गोवा से घूमने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आए तो डायरेक्ट साउथ गोवा आएंगे, हम लोग नॉर्थ गोवा जाएंगे ही नहीं। तो मेक श्योर यू गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय गाइज, बाय, बोलो बोनस। ले
ये देखो गाइस 3 लाख की बॉटल। अच्छा हम लोग आए वाइन शॉप पे, चाचा शॉपिंग कर लिया। ये देखो विवेक जी शॉपिंग कर लिया है, दारूबाज भी है, दारूबाज कहीं बहुत प्यारी दुकान है साउथ गोवा में। पीऊंगा क्या करोगे? फेंकूंगा। 3 लाख मैन।